जिस तरह हमारे खिलाड़ी जो है मॉडर्न क्रिकेट नहीं सीख पाए और आज भी 90s की क्रिकेट खेल रहे हैं, उस तरह हमारे जो सो कॉल्ड तजियाकार हैं उन लोगों को भी कुछ समझ जाना चाहिए कि आजकल की दुनिया जो है वो अलग है। टीम में ग्रुपिंग की जो खबरें हैं उसकी सदाकत तो किसी हद तक हो रही है। अगर हमको रन रेट मिला 20 ओवर में 40 रन बनाने तो हमारी भरपूर कोशिश होगी कि 18वें ओवर में पूरे करें, क्योंकि आदत नहीं है ना। मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सुहेब अली और हमारे साथ आज बहुत दिनों के बाद मौजूद है खुर्शीद आलम साहब। खुर्शीद आलम साहब वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन में बिजी हैं और इनका प्रोग्राम अमेरिका से हो रहा है और कंपाइल इसे वो पाकिस्तान में कर रहे हैं, तो इसीलिए नज़र नहीं आ रहे। और खुर्शीद भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सुहेब साहब, खैरियत से हैं आप? ये बताएं, आपको ख्वाब में भी वर्ल्ड कप के मैचेस ही आ रहे होंगे? आजकल तो ऐसे ही लग रहा है कि रात को सो सुबह उठो सिर्फ क्रिकेट ही क्रिकेट और वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप नजर आ रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, कल इंडिया जो थी वो अमेरिका को हरा कर सुपर 8 में पहुंच गई, तो भाई हमारा क्या बनेगा? सर वो इंडिया पहुंच गया, हमारा जो है वो जो सारा एनएसआर है वो अबरे करम पर है। अगर अबरे करम जो है वो नहीं बरसेगी आयरलैंड और अमेरिका के मैच में, तो हमें ये दुआ करनी होगी कि अमेरिका हार जाए और आयरलैंड जीत जाए। और उसके बाद जब 16 तारीख को जो मैच होगा, एक मैच तो कल है जो आयरलैंड और अमेरिका का है, जिसमें है 91% बारिश की पेशगोई है, और जो हमारा मैच है वो 16 तारीख को। पहले तो हमें यही दुआ करनी है कि बारिश ना हो, मैच पूरा हो जाए, क्योंकि एक पॉइंट भी उनको अंदर ले जाएगा, उनके 5 पॉइंट हो जाएंगे, हमारे जीतने के बावजूद आयरलैंड से 4 पॉइंट रहेंगे, तो हम नहीं कर सकते। सिर्फ इस सूरत में हो सकता है कि ये अमेरिका हारे आयरलैंड से मैच और हम लोग जब आयरलैंड से मैच खेलने जाएं तो हमारे पास एक टारगेट होगा कि हमें इतने रन से हराना है, इतने ओवर में टारगेट पूरा करना है या इतने विकेट से जीतना है, तो उसकी बुनियाद पर रन रेट बेहतर होगा और हम लोग आगे सुपर 8 में पहुंच सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के भी 4 पॉइंट हैं और हमारे भी जीतने के साथ 4 पॉइंट हो जाएंगे। भाई अगर हमको रन रेट मिला कि 20 ओवर में 40 रन बना दें तो हमारी भरपूर कोशिश होगी कि 18वें ओवर में पूरे करें, क्योंकि आदत नहीं है ना। बल्कि ये भी पता नहीं कि 39 ऑल आउट हो जाए। ये तो इम्पॉसिबल है कि 20 ओवर में 40 रन बनाने वाली बात तो बिल्कुल इम्पॉसिबल होगी, लेकिन यह है कि आयरलैंड की टीम, हाल ही में हम लोग आयरलैंड सीरीज खेल के आए हैं और हम लोग उनसे एक मैच हारे भी हैं, तो आपको अंदाजा होगा अगर चाहे आयरलैंड की कंडीशन में हारे और अब जो मैच है फ्लोरिडा में है तो, लेकिन अगर आप अमेरिका से डेलस में हार सकते हैं और आयरलैंड से आयरलैंड में हार सकते हैं, तो भाई इस टीम के बारे में जो अब तो कोई राय कायम करना या कोई तथरा करना जो है ना, वो जुए शीर लाने के मुतरातिब लगता है मुझे। तो ये बताएं कि मैं देख रहा था 1999 की जो टीम है पूरी, वो बहुत हद तक कनेक्टेड है इस वाले से, इस वाली टीम से। भाई मोइन खान के साथ सकलैन मुश्ताक के दामाद, शाहिद आफरीदी के दामाद, वसीम वकार वहाँ खुद मौजूद हैं, कमेंट्री कर रमीज राजा वहाँ मौजूद हैं। उसके बाद एक आध लोगों की कमी रह गई थी, सलीम मलिक और एजाज अहमद की, तो एजाज अहमद ने भी वो कमी अपनी एक बयान से पूरी कर दी हाल ही में। बेसिकली आपको पता है चारसद्दा में 2 दिन पहले जो है वो, एक तो ये 3 दिन पहले जब इंडिया से आ रहे तो केविन पीसीबी ने बयान दे दिया कि सर्जरी, हमने मैं समझ रहा छोटी सर्जरी होगी, अब तो बड़ी सर्जरी की जरूरत है। एक तो जब दौरान टूर्नामेंट आपको इस तरह का बयान देना नहीं चाहिए, अब भले कुछ भी हो, कैसे भी हो, टीम आपकी कैसी भी हो, किस तरह की हो, ये तो आप मोहसिन नकवी का बता रहे हैं भाई। अरे मेरे भाई, तो मैं आप एजाज अहमद की बात हो रही है। जी मैं यही कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लें। मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी ने जब ये बयान दिया चारसद्दा में कि पंजाबी, पठान, हिंदी और बलोची कोई नहीं है, आप जो है सिर्फ एक पाकिस्तानी है, और जब पाकिस्तानी होंगे तो फिर आप जो है वो जीतेंगे भी, तो उसके अगले दिन जो है जाहिर बात है ये मीडिया में जब आया तो एजाज अहमद ने भी फिर वो भी जरा जबान के ऐसे ही है, और जब लाइव शो में बैठ रहे होते हैं लोग तो उनको समझ में नहीं आ रही थी क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, तो उन्होंने जो बात की वो एक अजीब सी बात थी कि पठान जो है वो जाकर आराम कर लेते हैं और इस तरह यूं करते हैं और उनको जो है वो टेंशन बताते, ये ऐसे कुछ नहीं है। हर कौम में अच्छे बुरे लोग होते हैं,
हर कौम में प्रेशर बर्दाश्त करने वाले लोग भी होते हैं और नहीं भी होते, लेकिन बहरहाल टीम में ग्रुपिंग की जो खबरें हैं उसकी सदाकत तो किसी हद तक हो रही है। देखें अभी पिछले दिनों ताबिश के प्रोग्राम में भी जो है ताबिश ने ये डिस्कस किया कि इमाद वसीम से मुतालिक एक ट्वीट था जो इंडिया की बैटिंग पर उन पर किया गया था, तो उसे इफ्तिखार अहमद ने जो है वो लाइक किया। ये मतलब इंतहाई बेवकूफाना किस्म की हरकत है और इसको जाहिलाना हरकत भी कह सकते हैं। मतलब आप अगर आप मेरे और आपके ताल्लुकात खराब भी हैं और हम एक इदारे में काम करते हैं और अगर वो इदारे का जो इंटरेस्ट है वो किस इस वजह से है कि हम एक रहें, तो हमें कम से कम लोगों को तो बताने की जरूरत नहीं है, तो ये इंतहाई गलत हरकत की है। तो टीम में कुछ ना कुछ चल तो रहा है, तो ये मामला गड़बड़ हैं और उस पर एजाज अहमद ने बोल दिया, ये नहीं बोलना चाहिए था उनको। देखिए पठान को जैसे एजाज साहब ने कह दिया, फिर कामरान अकमल लाइव शो में बैठे, उन्होंने पठान और सिख इन लोगों का बहुत एक जमाने में आज से कुछ 40 साल पहले मजाक उड़ता था कि वो देर में चीज समझते हैं और ये होता है यार। अब उन्होंने कामरान अकमल ने भी कह दिया उसको, अरिशदीप को, कि 12 बज चुके हैं और सिख बॉलिंग कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। ये 40 साल 30 साल पहले ये चीज़ें एक्सेप्टेबल थी, जिस तरह हमारे खिलाड़ी मॉडर्न क्रिकेट को नहीं सीख पाए हैं और आज भी पुरानी ज़माने ही खेल रहे हैं, ये जो हमारे तजियाकार सो कॉल्ड हैं इन लोगों भी अभी तक ये अकल नहीं आई कि इस दौर में काले को काला, मोटे को मोटा और उसको पठा रंग नस्ल और इन सब चीज़ों पर बात नहीं की जाती है, ये रेसिज्म में आ जाता है, रेसिस्ट चीजें हैं। वो सही है आपकी बात। ये देखें सैफ साहब, मैं आपकी इस बात से बहरहाल पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से तो इस बात पर मैं हम एग्री नहीं कर सकता। आपके सामने मिसालें हैं, ये रेसिज्म तो हमारे यहाँ तो कूट कूट के भरा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो लोग इस तरह टीवी पे कहने से पॉलिटिशियंस भी घबराते हैं और दूसरे भी बात नहीं करते, लेकिन दिल के अंदर सब कुछ और होता है। दुनिया में भी देखें, एक आप अगर 9/11 के बाद एक सीधी सिंपल सी बात करें, मैं ज्यादा पॉलिटिकल नहीं होना करना चाहता इस बात को, लेकिन एक लाइन खिंच गई है, एक तरफ मुसलमान एक तरफ गैर मुस्लिम, तो ये तो आप ये ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया में जो है कोई इस तरह का जो है वो बाइसनेस दिखा ना दिखाए। अभी देख लें हर जगह आपको नजर आ जाता है, आपको मैं मुझे बहस करने की जरूरत नहीं है। हर चीज मतलब यूएन तक में बाइसनेस है, तो ये चीजें तो ठीक नहीं हो सकती। हाँ ये है कि किसी इसको आवाम तक इस तरह ना पहुंचाया जाए कि किसी की दिल आजारी हो, मतलब हर किसी को अल्ताफ होता है या जो है। आपने मजाक भी करना है जैसे कामरान अकमल ने किया कि अरिशदीप बॉलिंग कर रहा है, 12 बज गए, तो वो आपको दूसरे आदमी को रोक देना चाहिए कि सर ये थोड़ा किसी और तरफ जा रहा है, लेकिन बेसिकली हाँ वो मजाक को वो ऐसा होता है। देखिए इंडिया 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 के आप जितने शो देख लेना, इंडिया के जितने शो देख लें आप, उसमें इरफान पठान हो, उसमें हरभजन सिंह हो, उसमें वरिंदर सहवाग हो, ये जितने हैं ये जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तानियों के बारे में और वहां का मीडिया जिस तरह की गुफ्तगू करता है पाकिस्तानियों के बारे में, तो मतलब वो ढके झुकी बात है, नहीं है ढके झुकी बात ना, तो इस पर कुछ होना नहीं चाहिए। मतलब अभी मैं अभी देख रहा था जो है, पाकिस्तान के हाँ वो कौमियत के हवाले से भी है, मैं आपको बता देता हूँ, शाहिद अफरीदी के बारे में इरफान पठान ने बोला कि मैं जब भी शाहिद अफरीदी खेलता था तो वो बड़ा खतरनाक बैट्समैन था, तो धोनी ने हमेशा बोला कि जब भी अफरीदी आएगा तो इरफान पठान ही होकर आएगा, क्यों, क्योंकि वो भी पठान है और मैं भी पठान हूँ, लेकिन उसको पता नहीं मैं किस्म का पठान हूँ, मैं ऐसा पठान हूँ, तो ये क्या है, ये रेसिज्म नहीं है तो और क्या है ये। अपने आप को खुद कह रहा है ना बंदा, वो तो चलता है अपने आप को, नहीं आप दूसरे को भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं आपसे बेहतर पठान हूँ, आप मुझसे कम पठान है, ये भी रेसिज्म है भाई। एक ही कौम के अंदर अगर दो मुख्तलिफ उसमें हो जाएंगे, अब अगर कोई कहे मैं आफरीदी बड़ा पठान है और जो खानजादा है वो छोटा पठान है, फिर क्या बोलेंगे आप, ये भी रेसिज्म है ना, इसको इसको हल नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल बहरहाल इस तरह की गुफ्तगु नहीं होनी चाहिए। वो अजराए मजाक की होगी कामरान अकमल ने, और मेरे ख्याल में उस पर माजरत भी किए जा सकते, मुझे इतला है मेरी, मैं जो ट्वीट्स वगैरह आए हैं कामरान अकमल ने भी मजाक वो किए, और यार सीधी बात बताऊं भाई, बेसिकली सेफ साहब आप जो है ना अंग्रेजी फिल्में ज्यादा देखते हैं, तो आप जो है ना दरअसल उस कल्चर में ज्यादा भीग गए, दरअसल पाकिस्तान की तरफ आ जाएं आप, वरना मैं इस मामले में बड़ा सख्ती से पेश आऊंगा आपके साथ।
ठीक है, वो तो आपसे मैं ऑफिस में बात करूंगा। अच्छा भाई ये बताओ कि हमारी टीम वापस आ रही है कि नहीं, पक्का पक्का बताओ, चांसेस क्या है, बुकिंग करवानी है उनकी, एयरपोर्ट जाना है। एयरपोर्ट जाएंगे अगर नहीं आए वो, ईद ईद वो अपनों में मनाने के लिए नहीं है, और ईद उन्होंने वहीं अमेरिकन में मनाई तो क्या करेंगे आप। देखिए 16 को मैच है, 16 को फैसला हो जाएगा। वैसे फैसला फैसला तो जो है वो 14 को ही हो जाएगा, 14 को अगर बारिश होगी तो फैसला हो जाएगा। लेकिन अगर बारिश नहीं हुई और मैच हुआ और अमेरिका हार गया तो फिर हमें 16 का इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर अगर उस टाइम तो खैर पाकिस्तान टीम के बारे में क्या बोले यार, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जो आप जो है ना फिर बयान नहीं कर सकते। चले ठीक है, इससे पहले कि आप रेटेड गुफ्तगु पे आ जाएं जो आप करते रहते हैं, तो हम अपना खत्म करते हैं प्रोग्राम, और इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि कुछ मौजजा ही हो जाए भाई, हम भी देख लें कोई मौजजा। ठीक है, देखिए मैं ये आपके जाने से पहले एक सिर्फ एक बात करना चाहूंगा, हमारी तारीख रही है भाई, 1992 के अंदर अगर ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज को नहीं मारता तो हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचते। 2012 के अंदर शाहिद अफरीदी की आदत में वेस्टइंडीज में जो खेला गया, अगर उस मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया वाला मैच नहीं होता तो फिर हम लोग आगे नहीं जा सकते थे। इसी तरीके से 2022 का भी जो T20 वर्ल्ड कप गुजरा है, नदल ने जिन से वो नहीं मारता तो हम आगे नहीं जा सकते थे। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो हम तो इतने देखा हुआ कहेंगे भाई उम्मीद लगाएं कि हम किसी ना किसी तरीके से सुपर एट में चले जाएं, ताकि हमारी ईद भी खराब ना हो और हमारे जो दिल जले हैं ना उन पे कुछ थोड़ा सा मरहम रख दे। बस मौजे की उम्मीद करें, मौजे हम देख चुके हुए हैं। ठीक है, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।